अभी दोस्तों यहाँ पे हम इनवाइट करेंगे ऐसे शख्स को जिन्होंने मेरे लाइफ में बदलाव लाया है, काफी हमारे टीम में लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर लाज कर रहे हैं। ऐसे शख्स को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, दिलधाम के बैठी है, यस ब्रांड न्यू यूसीडी मिस्टर बकरंदर आशुले अंदर बोले। जरा तुम्ही तुम्ही म्हणजे एक स्क्रीन आणि संदीप कसा लेफ्टी असल्यामुळे राईट ओके 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 राईट सो मैं बात तो हिंदी में ही करूंगा। आप जितने भी लोग यहाँ पे नए हो या मुझे जूम पे भी देखने वाला अगर कोई नया बंदा यहाँ पे बैठा है जिसने आज बिजनेस प्लान देखा है राइट, तो शायद आपके लिए हो सकता है कि आपका फर्स्ट केजी का क्लास है और शायद आपको सेकंड क्लास का कुछ एजुकेशन आज दिया जाए या फर्स्ट का एडमिशन लिया है और उसको पांचवी क्लास का एजुकेशन दिया जाएगा। तो थोड़ा ट्यून करो, जो नहीं समझ में आएगा उसको छोड़ दो राइट। सो बेसिकली अगर नया कोई भी आदमी जब इस बिजनेस में जुड़ता है ना तो उसको ये महसूस नहीं होता कि ये इंडस्ट्री है, क्योंकि बुलाने वाला अगल बगल का कोई आम इंसान होता है ना कि टाटा बिरला बुलाने वाला है राइट। दूसरा बात ना कि उसको कोई ऐसा फाइव स्टार होटल में या फाइव स्टार प्रॉपर्टी में इन्वाइट किया जाएगा कि गेट पे अपना पास बनाओ और अंदर जाया जा रहा है, फिर उसको महसूस होगा कि यस मुझे बिजनेस के लिए बुलाया है ना। ऑर्डिनरी पर्सन इज कॉलिंग टू ऑर्डिनरी मैन और ऑर्डिनरी पर्सन फॉर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफेशन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये थोड़ा मिसमैच हो जाता राइट। लेकिन ये जो मिसमैच है ना, ये मिसमैच आप अगर नए हो तो आपको समझना इसलिए जरूरी है कि हम लोग इंफॉर्मेशन एज में जी रहे राइट। आज मैं पूना से मैं कल जब रोहा आ रहा था तो रोहा आते आते मैंने सोचा कि अभी मुझे एक घंटा बीच में है, थोड़ा भूख भी लगा है, तो रोहा से पहले कोलाड़ करके प्लेस है और तो मुझे कुछ अच्छा स्नैक्स खाना है राइट। तो मैं जैसे 20वीं सदी का आदमी जैसे ढूंढेगा ना कौन सा अच्छा होटल है, मैं ऐसा किया नहीं, मैंने फटाक से मोबाइल निकाला और गुड फूड इन कोलाड़ डाला तो तीन ऑप्शन है, उसमें से एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था जिसका स्टार रेटिंग अच्छा था, मैंने उसको डायरेक्शन में सेट किया, मेरे से 500 मीटर पे होटल था, मैंने जाके वहां पे स्नैक्स खाया। इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। आपने अगर नया बिजनेस आज देखा है, आपको जो भी बताया गया इसका इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। यू शुड नॉट थिंक लाइक अ पर्सन हु इज जो 20वीं सदी का आदमी जैसा आप सोचोगे तो आप जिंदगी में बहुत बड़ा गलती करोगे राइट। डायरेक्ट सेलिंग ये इंडस्ट्री है, अदर वर्ल्ड में ये 100 साल पुराना इंडस्ट्री है, इंडिया में इसको लीगल किया गया है 2017 में। हमने जब एमवे किया था तो दैट टाइम इट वाज नॉट अ लीगल इंडस्ट्री, नाउ इट इज अ लीगल इंडस्ट्री। वेस्टीज दुनिया में डंके की चोट पे अचीवमेंट कर रहा है। Now West is the benchmark for not only India, for so many other countries as a direct selling industry. Asia का fastest growing direct selling industry. ऐसा industry है जिसमें लाखों रुपया महीना कमाने वाले इंडिया में हजारों लोग हैं। वो business आपको कोई आपका नजदीक का आदमी बुला के जब ऐसा हॉल में बताता है ना, तब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाएंगे। वो थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाने से बेहतर है कि थोड़ा सा आपका इंफॉर्मेशन एज में जीने का थोड़ा कोशिश करो, यू विल फाइंड मच बहुत बेहतरीन सक्सेस मिलेगा आपको ढूंढोगे तो राइट। शायद पूरी जिंदगी मेहनत करके किसी इंडस्ट्री में अच्छा पोस्ट पे काम करके लोग जो नहीं अचीव कर सकते, जो नहीं लाइफ जी सकते, वो लाइफ लोग वेस्टीज के साथ में 2-3 साल का एज में जी रहे। Somebody is earning 70 lakh rupees, somebody is earning 50 lakh rupees, not annual income. I am talking about per month income. कुछ लोग 15 लाख कमा रहे, 10 लाख कमा रहे, 5 लाख कमा रहे, 2 लाख रुपया कमा रहे। कुछ लोग ऐसे कि जिन्होंने बस स्टार्ट ही किया था और पहला महीने का इनकम 10,000 है राइट। सो ये इंडस्ट्री है।
बहुत आज बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड इसलिए हूं कि जब 2-2.5 साल शायद पहले जब हमने भी एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया था ना, तब कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन तुकाराम थावरे फ्रॉम आवर टीम इज अ ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज डायरेक्टर इन सऊदी अरेबिया। कल रात वो नया ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना सऊदी में, राइट? तो थोड़ा जोरदार ताली उसको सुनाई देना चाहिए कि नहीं, राइट? इसका मतलब जो बिजनेस हमने पुणे में स्टार्ट किया आज वो बिजनेस का सक्सेस सऊदी में भी। मैं सऊदी गया नहीं हूं, शायद व्हाट्सएप का मालिक भी अब तक कोपर खेरने का सेक्टर नंबर 7 में नहीं आया होगा, लेकिन उसका व्हाट्सएप पहुंचा ना। आपका भी बिजनेस ऐसा किधर पहुंचेगा जहां पे आप शायद मरते दम तक नहीं जाओगे, लेकिन वहां पे बिजनेस हो सकता है, राइट? टुडे आई हैव मोर देन 60 डायरेक्टर्स एंड अबव, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, विद इन ईयर और टू वी हैव सो मेनी डायरेक्टर्स एंड अबव इन अदर कंट्री, जिनको शायद हम कभी 2-4 साल में एक बार मिलेंगे किसी ALS में जाके। ये पॉसिबिलिटी वेस्टिज के साथ है, ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में आप अगर आए हो तो उस तरीके से काम भी तो करना पड़ेगा, उस तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आपको वॉचमैन का जॉब मिले तो यू डू इट लाइक अ वॉचमैन ना, आपको जनरल मैनेजर का काम मिले तो, राइट? नहीं हो रहा है, आवाज आ रहा है ना, राइट? आपको जनरल मैनेजर का अगर काम मिले, क्या हुआ रे? हाँ, ओके। आपको अगर जनरल मैनेजर का जॉब मिलता है तो आपका, तो आपको वो उस तरीके से काम करना पड़ेगा कि नहीं, राइट? क्या वॉचमैन को वैसे तो जॉब कभी मिलेगा नहीं जनरल मैनेजर, राइट? अदर लाइफ में। लेकिन अगर समझ लो कि आपको जिस प्रोफाइल मिला है हाथ में, जिस उसकी ताकत अगर समझ लो लाखों कमाने का, जिस बिजनेस से मैं लाखों कमा रहा हूं वही बिजनेस आपके घर में है, वही प्रोडक्ट आपके घर में है, आप उसी कंपनी का प्लान आपके हाथ में है, फिर जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप करोगे तो ही सक्सेसफुल होगा कि नहीं, राइट? सो आज जो भी 45-50 मिनट जो भी मैं आज बात करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा सबके लिए। मैं होपफुली चाहता हूं कि आप थोड़ा केयरफुली सुनो, जब भी ऐसा कभी ऑफलाइन मीटिंग रहे तो थोड़ा अपनी तरफ देखने का कोशिश करो कि क्या मैं वेस्टीज का लाखों रुपया का धंधा करने वाला आदमी दिख रहा हूं क्या? लोग आपको आपको देख के जज करते, मुझे लगता है शुरुआत यही से होता है, राइट? मैं गरीब है, मेरे को पैसे का बहुत जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे पास वेस्टीज का प्लान लेके आया, इस तरीके से तुम्हारे साथ कौन ज्वाइन करेगा? हाँ, तो थोड़ा ढंग का कपड़ा अच्छा पहन के जाओ। लोग उससे लाखों रुपया का कमा धंधा कमाने के लिए लोग, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए जाएगा तो बहुत 50 बार प्रेस करके जाएगा कपड़ा, शूज पॉलिश करेगा। बिजनेस करते समय ये क्यों नहीं ये होना चाहिए, राइट? शुरुआत कहां से करेंगे? मुझे लगता है कि अगर वेस्टीज में, मैं जूम वाले लोगों के साथ में भी बात कर रहा हूं, गलती कहां पे हो रहा है? सबसे बड़ा गलती आज देखो, मैं सब जगह पे जहां जहां पे मैं गया हूं, आप लोगों के साथ में भी मैं ये एग्जाम्पल शेयर किए हैं। मैंने खरीदा है टाटा हैरियर, टाटा मैन्युफैक्चर हैरियर, और टाटा का पहला गाड़ी था टाटा इंडिका। इंडिका को अगर हैरियर के बगल में खड़ा करें तो इंडिका 100% गलत व्हीकल है, उसका सस्पेंशन रॉन्ग है, उसका स्टेयरिंग रैक रॉन्ग है, उसका एवरीथिंग इज रॉन्ग है। लेकिन यहां से जब यहां टाटा पहुंचा तो हम अभी बोल रहे टाटा बहुत डेवलप हो गया, टाटा बहुत डेवलप हो गया। टाटा डेवलप हुआ ना यहां से यहां तक, वो डेवलपमेंट का, जो डेवलपमेंट मतलब क्या होता है ना, डेवलपमेंट इज इक्वल टू चेंज, और डेवलपमेंट इज इक्वल टू करेक्शन। इसमें से कुछ करेक्ट करके और एक गाड़ी बना, फिर इसमें से कुछ करेक्ट करके और एक गाड़ी बना, फिर इसमें से कुछ करेक्ट करके और एक गाड़ी बना, फिर इसमें से कुछ करेक्ट करके और गाड़ी बना, ऐसे करते करते हरियर बनाए, और ये भी फाइनल नहीं, इसमें से कुछ करेक्ट होकर और एक गाड़ी बने। हमारा लाइफ में करेक्शन का जरूरत नहीं है साहब, तुमसे क्या मत है? एज इट इज, जैसा मैं हूं वैसे ही मेरे को सब कुछ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता बाबा। यू नीड टू, तुम्हारा विलिंगनेस होना चाहिए कि करेक्शन होना चाहिए। व्हाट्सएप का अपडेट मारा
पड़ जाएगा ना, पहले था सेम वैसा ही तुषार करोड़पति बन सकता है कि साहब कुछ तो बदल करना पड़ेगा। मैंने ये जो चेंज है ना, ये चेंज रेजिस्ट करता है आदमी, उसको बदल नहीं। इंसान और पत्थर, मैं आपको बताता हूं आज जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि ये 80% लोग और ये 20% लोग सक्सेस पहले भी माइनॉरिटी में था, आज भी माइनॉरिटी रहेगा और आने वाले समय में भी माइनॉरिटी में रहेगा। हजारों लोग लाखों लोग वेस्टेज में जुड़ेगा, फिर भी सक्सेसफुल लोग 20% ही होगा। तुम जिस क्लास में सीखे ना 60 बच्चे, जाके चेक करो एट द एज ऑफ 60, यू विल फाइंड ओनली 20% लोग सक्सेसफुल है, बाकी बचा हुआ 80% ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे। और कारण बहुत रहेगा उसके पीछे, ऐसा हो गया वैसा, स्टोरीज इतना की जैसा कि अभी जीपी सीपी अगर जिंदा होते तो इतना स्टोरी मिलेगा लोगों का, स्टोरीज उनके पास रहेगा। ये जो 80-20 रेशो है ना, उसमें से ये 80% लोग है ना, दे रेजिस्ट चेंज, उनको बदलना अच्छा नहीं लगता। और बदल कहां से शुरू हो सकता है? बदल यही से शुरू हो सकता है, सोचने से ही बदला हो। ये ट्राइपॉड किसी ने सोचा है तो बनाए, ये मोबाइल किसी ने सोचा है तो मोबाइल बनाए, आपके लाइफ के बारे में क्या सोच रहे, जरूरत है कि नहीं साहब? ये सोचने को ही हम तैयार हैं, पहला लफड़ा इधर है, राइट? ये 80% लोग है ना, दे डोंट हैव विजन, इनके पास विजन नाम का कुछ चीज नहीं है। इनको रात को खाना चाहिए और रात में सोना, इनको कल का कल देखा जाएगा, राइट? दे डोंट हैव विजन, उनको 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद का जिंदगी का कुछ लेन देन नहीं, राइट? ये 80% पीपल आर विथ प्रॉब्लम। And this 20% people are with solution. दुनिया में प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कौन सा आदमी है? ये लोग टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढने में एक्सपर्ट है, और 20% लोग परमानेंट सोल्यूशन ढूंढेंगे। पढ़ाई करने के लिए घर में लाइट नहीं था, लोग रोड पे स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ाई किया है, आज दुनिया में नामचीन लोग है। प्रॉब्लम था नहीं क्या? प्रॉब्लम था, लेकिन इनका प्रॉब्लम के साथ सोचने का तरीका अलग है, राइट? तो मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है ना, ये 80-20 मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये 80-20 आपके साथ में भी होने वाला। हमको बहुत बार लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा टीम में ये वो, इसलिए क्योंकि तुम ये 80% के आदमी को 20% में लाने का कोशिश कर रहे हो। जब मैं कल भी ये बात रोहा में बोला, जब कमांडो ट्रेनिंग होता है ना, कमांडो, हाँ, तो सिलेक्शन होना है 5 कमांडो का, लेकिन एडमिशन दिया जाता है 100 कमांडो को, और सिलेक्शन के लिए आते 10,000 लोग, उसमें से 100 सिलेक्ट किया जाएगा और एक्चुअल में चाहिए 5। तो ये जो 100 आया ना, वो 100 में से वो लास्ट में 5 कौन रहेंगे वो कौन डिसाइड करता है? विकास सेठ, आते समय तो सब लोग आई एम कमांडो, मैं अभी जीतेगा, मैं ये मैं वो स्टोरी बना के ठोक ठोक के बताएगा, लेकिन जब वो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा ना कमांडो का, तो पहला 5 दिन में एक घर जाएगा, फिर दूसरे 5 दिन में और एक घर जाएगा, फिर किसी का पैर दुखेगा, किसी का हाथ दुखेगा, ऐसे करते करते सब कुछ सहन करके वो पूरा ट्रेनिंग खत्म करने वाला लास्ट में 5 ही बचेगा, वही 5 फाइनल कमांडोज है, राइट? तो ये डायरेक्टली 5 कौन है वो चॉइस कर सकता है क्या कोई? प्रोसेस में आना पड़ता है ना। तुम्हारे साथ में भी ये 80-20 रूल लागू है, मेरे साथ में भी लागू है, मेरे टीम के साथ में भी लागू है, और आपके टीम के साथ में भी लागू है। तो हमें वो 20% लोग कैसा मिलेंगे? आप नए हो, स्टार्ट कभी किया? अभी आज ही देखा है बिजनेस ना, थोड़ा गलती हो सकता है, हाँ स्टार्ट किया ना, राइट? वो 20% ढूंढने का कैसा? अधीक्षक,
हाँ, हाउ टू फाइंड दैट 20% पीपल, हैंड ट्विस्ट करके जाते जाते पनवेल में ऐसा बदड़ा मेरे को कि मेरे को सक्सेसफुल होना पड़ा। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, 20% है ना, वो 20% कौन साहब? तुम्ही ज्वाइन झाले का फर्स्ट टाइम आले? ज्वाइन आहेत ना, ओके ओके, वेरी गुड, चलो फर्स्ट क्लास। वो 20% ढूंढने का कैसा? वो 20% ढूंढने का नहीं होता है। 100 लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद में 20 लोग ही आगे निकलने वाले, ये थंब रूल है, समझ में आया? एंड वो 80-20 रेशियो इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। यू कॉल 100 पीपल, 20 विल कम, राइट? यू स्पॉन्सर 100 पीपल, 20 विल गो DUCD डेफिनेटली। लेकिन वो 100 में से एग्जैक्ट 20 तुम ढूंढने का कोशिश करेगा तो होगा नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा गलती, इनमें से किसी को भी तुम ये नहीं बना सकते। तुम एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो कर सकता है। और लोगों को एजुकेशन, तुम्हारा क्लास में सिखाने वाला एक प्रोफेसर था, हमारा क्लास में भी एक ही था। स्टूडेंट जितने स्टूडेंट है, जितने स्टूडेंट थे, फिर एक फेल कैसा हुआ और एक सक्सेसफुल कैसा हुआ? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? गेटिंग मी ऑर नॉट? सो सबसे पहला मेरा कहना यही है कि ये काम 80-20 दिमाग में ठूस ठास के भरना शुरू करो आज के बाद, राइट? एग्जैक्टली हमारा धंधा किस चीज का है? सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू है आइदर पीपल हैव टू हाई लो, बहुत हाई सेल्फ इमेज है, टू हाई सेल्फ इमेज, मतलब जेब इतना फटा है कि पर गुड़गा खजवाई वेळ है, पर सेल्फ इमेज इतना तगड़ा है कि वो किसी को सुनने का ही तैयार नहीं। यू नीड टू बी अ करेक्ट मटेरियल। अगर सोना, अगर समझ लो कि डायमंड को तराशना है, तो कोयले के खदान में जाने के बाद में कोयला, हर कोयला डायमंड नहीं है ना, तो कौन सा कोयला डायमंड हो सकता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इधर पीपल हैव टू हाई सेल्फ इमेज, कुछ सीखने विकने का जरूरत नहीं है, सब कुछ पता है। अरे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है तो इट शुड रिफ्लेक्ट इन टू योर बैंक बैलेंस ना। तुम्हारा बैंक बैलेंस भी तो दिखना चाहिए कि हमको सब कुछ पता है। सब कुछ पता है फिर बैंक में पैसा क्यों नहीं? तो सेल्फ इमेज हाई होना ये सबसे बड़ा गलती है लोगों। और ये बॉम्बे में नहीं, मैं जहां जहां विजिट करता हूं वहां सब जगह। और सेकंड, आइदर हैव वेरी पुअर सेल्फ इमेज, मतलब लोग इतने एजुकेटेड होने के बावजूद में उनका सेल्फ इमेज इतना पुअर है कि वो कोई आया तो ऊपर देखने को तैयार नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बात करने का उनके पास ताकत ही नहीं है। अच्छा पढ़ा लिखा, स्मार्ट, हैंडसम, सब कुछ होने के बावजूद, वेस्टीज में ग्रो करने के लिए कुछ लोगों का सेल्फ इमेज नीचे आना पड़ेगा और कुछ लोगों का सेल्फ इमेज ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन ये काम आप अपने आप नहीं कर सकते, आपको किसी के एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। संदीप शेठ, सचिन शेठ, समझ रहे? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लोग आएंगे, कुछ इतना एबिलिटी आदमी रहेगा कि जो आप महसूस नहीं कर पाओगे कि ये क्या काम कर सकता है, बहुत खतरनाक। लेकिन उसका सेल्फ इमेज इतना पुअर है, उसके साथ दोस्ती बनाना पड़ेगा, उसका दोस्त बनना पड़ेगा। आपके साथ वो रहने की वजह से धीरे 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 उसका सेल्फ इमेज बढ़ेगा। आपका डाउनलाइन में अगर समझ लो एक MS सर्जन ज्वाइन हुआ फेमस, तो आप उसका अपलाइन बनने को तैयार है। तुषार सेठ, अगर डॉक्टर साहब ज्वाइन किए जिनके पास मर्सिडीज है आपका डाउनलाइन में, तो एज अपलाइन आप उनके घर पे जाने को तैयार है। वो जो अंदर का जो आवाज है ना, उसको बदलने का मतलब है DUCD बनना। लोगों को स्पॉन्सर करने का मतलब वो नहीं है। क्या आर यू, आप अंदर से डेवलप हो रहे क्या? वो बिना करे आपके पास कुछ नहीं आने वाला। आप वेस्टेज करो, नहीं तो और दुनिया का कुछ भी काम करो, राइट और रॉन्ग।
मर्सिडीज का मालिक बनने से पहले वो मालिक बनना पड़ता है, मर्सिडीज का मालिक जैसा अंदर से बनना पड़ेगा, उसके पहले मर्सिडीज नहीं आएगा ना, राइट। मैं लातूर में उस दिन एक आदमी को बोला कि क्या आपको लगता है क्या कि आपका एक मर्सिडीज आना चाहिए। अरे मर्सिडीज वर्सिडीज बहुत गाड़ी चला है। अरे साला मैं देख रहा हूँ ये चटाफटिंग आदमी वो ऐसा कैसे बोल रहा है मर्सिडीज ऑडी बीएमडब्ल्यू। बाद में पता चला वो ड्राइवर है। मैं बोला बाबा ड्राइवर बन के गाड़ी चलाना और मालिक बन के गाड़ी चलाने में फर्क नहीं है, वो कुछ नहीं है। मालिक बनने के लिए पहले अंदर से मालिक तो बनना पड़ेगा क्या? वो मालिक बनने के लिए विनिंग टीम का एसोसिएशन लेना शुरू करो, करना तो पड़ेगा। आपने 50 बार सुना है, राइट। आपने ऐसे ऐसे ऑडियो ट्रैक सुनी है, जब तक सोच ही सोच को बदल सकती। सोच के ताले का चाबी सोच, सोच का अगर ताला रहेगा तो चाबी भी सोच की ही होती है। वो सोच की चाबी मिलेगी कहां पे? ये विनिंग टीम का जो सीपी सब्सक्रिप्शन है 86 आवर्स का, उसको रिगरसली 86 आवर्स कंप्लीट करो, आपको एक ऐसा चाबी मिलेगा वो 86 आवर्स में, एक सोच ऐसा मिलेगा जिस सोच की वजह से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हमने भी डायरेक्ट सेलिंग में कभी कभार अगर पैर रखा था ना, तो वो था कोई एक सोच, जिस सोच ने हमको रात में सोने नहीं दिया। अभी ये 3 दिन का FRU है, फैमिली रियूनियन, आपको अटेंड क्यों करना है और वो रिगरसली क्यों करना है? क्योंकि कौन सा सोच आपका दिमाग को तोड़ ताड़ के चला जाएगा आपको पता नहीं, इसलिए उस दिमाग को वो सिस्टम में रखो। उसके सामने तुम घूमते घामते चाय पीते फिर लुंगी पहन के दूध लाने के लिए जाएगा नीचे और फंक्शन ऊपर चालू है, तुम 3 दिन बाद बोलेगा कि मैंने फंक्शन अटेंड किया, होगा नहीं फिर फायदा। मैं गया था औरंगाबाद, हमारे मिराज भाई को मिला, क्राउन एंड अबाउ, जब क्राउन क्या था, गो क्राउन उन्होंने अटेंड किया, 109 पेजेस का नोट्स बनाया था और उसी गो क्राउन में बैठा आदमी वो नल्ले टाइप का कुछ नहीं, वो खाली सुन के सुना गया सुना हुआ। समझ में आ रही मुझे क्या कहना है? सो वो जो सोच है ना, जैसा बच्चा जब बच्चा होता है ना, तो उसकी माँ रिस्पॉन्सिबल है, वो लेके बच्चे को स्कूल में लेके जाएगा और बच्चा रोएगा फिर भी उसको चॉकलेट देगा, उसको कैडबरी देगा, कैसे भी करके राजी खुशी उसको स्कूल लेके जाने का कोशिश करेगा। और फिर भी अगर बच्चा रोता है ना, तो लास्ट में माँ उसको 2 चपाट मारेगा, बोलेगा कि स्कूल में बैठना पड़ेगा, क्योंकि माँ को पता है कि मेरा बच्चा स्कूल में बैठने का जरूरत क्यों है। तुम्हारा ब्रेन भी इतना खतरनाक हो बच्चे जैसा है कि वो ये सारा काम आपको करने नहीं देगा, लेकिन तुम्हारे वो ब्रेन को तुमको उस एसोसिएशन में जबरदस्ती बिठाना पड़ेगा। शायद पहला दिन का सुबह 9 बजे जब ब्रेन उसमें आएगा ना, वो उसमें सूट नहीं करेगा, वो बोलेगा ये वो, फिर भी उसको बिठा के रखो, अगर नहीं सुनता है तो 2 पीछे से मारो ऐसे खड़क खड़क, वो बैठेगा उधर। फिर आफ्टरनून के बाद में वो ट्यून करना शुरू करेगा। एंड आई एम गिविंग यू गारंटी, विद इन दैट 3 डेज एक चाबी ऐसा मिलेगा सोच का, कि जिस चाबी की, सोच का चाबी मिलने के बाद में एक सोच ऐसा रहेगा कि जिसकी वजह से आपका एंटायर लाइफ चेंज हो जाएगा। मैं जिस बिजनेस को कर रहा हूं ना, उस बिजनेस को मैंने 20-25 हजार रुपया कमाते समय किसी ने देखा है यहाँ पे, 308 रुपया का चेक मेरा देखा है यहाँ पे किसी ने, मेरा 3000 रुपया का चेक यहाँ पे बैठा कोई लोग देखा है, आज वही 2 लाख रुपया हुआ है और उसको 2 ही साल लगा है साहब, राइट और रॉन्ग। और उसका सबसे बड़ा वजह FRU, FRU प्रमोशन का मेरा पर्पज नहीं है, लास्ट में मुझे बोलना ही है, लेकिन मैं बोल क्या रहा हूं कि ये जो आदमी है ना, इसकी सोच कैसी होनी चाहिए। ते उड़त उड़त मनता था ना, आज ये इसको बोला है अभी देखता है वो आईडी आधार कार्ड देता है क्या, अगर दिया तो दिया, नहीं दिया तो अभी देखते है। और फिर अगर वो दिया तो दिया, नहीं तो वो 100 PV करता है देखता है, और फिर वो 100 PV किया तो मेरे को कितना पड़ता है वो देखते है। ऐसा करते करते सालों साल इसी तरीके से बिजनेस, 0 इन्वॉल्वमेंट उसमें, 9 पैशन, कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है? इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू डू समथिंग विथ योर हार्ट, दिल से कुछ तो करना पड़ेगा। दिमाग लगा के तो आज तक हम जहां तक पहुंचे पहुंच चुके, अभी यू नीड टू इन्वॉल्व योर हार्ट इन टू योर एक्शन।
राइट और रॉन्ग सर, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 80% लोगों के पास में और एक इश्यू क्या है, इनके पास विलिंगनेस नहीं, हर काम कोई और बोल रहा है इसके वजह से करेंगे, खुद का कुछ भी नहीं। जब गाड़ी लाया संदीप तो मुझे उसको मोटिवेट नहीं करना कि संदीप तुमको काम करना पड़ेगा, वो गया और 4-6 दिन 8 दिन के अंदर में 3000 किलोमीटर का ड्राइव करके आ गया, कहां पे गया, जहां पे जाना है जहां पे जाके आ गया। ही इज अ डायमंड बिकॉज ही इज बिल्डिंग हिज ओन बिजनेस, उसके पीछे पढ़ पढ़ के वो डायमंड जा सकता था। यू गो एंड आस्क टू माय एनी अपलाइन, आज तक मेरा अपलाइन में से एक बंदा भी मेरे लिए किधर भी प्लान दिखाने को नहीं आया, नेवर। मेरा एक भी प्रोस्पेक्ट के लिए मैंने किसी को भी आज तक नहीं बोला कि तुमको प्लान दिखाने के लिए आएगा क्या मेरे साथ। हम अपनी सोच को सामने के आदमी को नहीं समझा सकते। तुम्हें थोड़ा आला, अरे तू जिंदगी बदलने का धंधे में तुम अपने आप को लगाने को तैयार नहीं, कैसा हो सकता है? जो धंधा करते समय आपको शर्म आता है एक्चुअल में, वो धंधा करके तुम सक्सेसफुल होने के बारे में कैसा सोच सकते हैं? मैं जब अंबेज हो गई, चलो कभी हमारे विवेकानंद माने अभी ब्रांच डायरेक्टर बने, लेकिन 5% पे था तब अपने गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा वेस्टेज करके लिखा हुआ है। ही इज अ प्रोफेसर, ऑलरेडी 60-70 हजार लाख रुपया के करीब पगार, उसको ये नहीं लग रहा कि मैं वेस्टेज करता है तो मेरा बाजू वाला क्या सोचेगा, वो तो हर बाजू वाले को जाके बता रहे कि तुमको वेस्टेज करना पड़ेगा। और हम बोलते बस इसको इधर मत बोलो, इधर पता चले तो लफड़ा हो जाएगा, बाजू वाला गली में जाके बोलते कि मैं वेस्टेज करता। लोग इसलिए क्या करते हैं, वेस्टेज स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहला कॉल वो दिल्ली मेरे दोस्त से, अरे क्या बाजू वाला मर गया क्या? नहीं, बाजू वाले को इतना जल्दी नहीं, थोड़ा पैसा आने के बाद में बाजू वाले के पास जाएगा। और दिल्ली वाला क्या तुम्हारे साथ आने वाला है क्या? दिस इज कॉल्ड सेल्फ इमेज, पुअर सेल्फ इमेज। मैं आपको बताता हूं, ज्योति खंडरे डायरेक्टर फ्रॉम बसव कल्याण, राइट, एंड शी वेरी फेमस डॉक्टर, राइट, शी इज गोइंग टू रिटायर्ड विद इन से थोड़ा साल में रिटायर हो जाएगा, लेकिन रिस्पेक्टेड लेडी। जिस मीटिंग को मैं अटेंड करने गया था कंडक्ट करने, 100 लोग बैठे थे, 100 लोग बैठा था, उनको शर्म नहीं आ रहा कि हम वेस्टेज करेंगे, लोगों को पता चले तो क्या हो, आपला सगळं लफड़ा आपल्या डोक्यामध्ये आहे असं वाटत नाही का सर? सब कुछ दिमाग में काही दही है कि नहीं अपना, उसको साफ तो करना पड़ेगा, राइट। सो विलिंगनेस 0 है। सबसे पहला विलिंगनेस कौन सा है ना, सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना अधिक से, सीखने के लिए क्या बचा है अभी? हम तो अभी एक्सपर्ट बन गया साहब, तुमको तो हाउ टू कॉल पीपल भी सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि नहीं? 4 घंटे का एक वीडियो सेशन अवेलेबल है विनिंग टीम का एप्लीकेशन, नट्स एंड बोल्ट्स, कि आज बिजनेस साहब ने स्टार्ट किया है तो मैं शुरू क्या करूं, कहां से शुरू करूं, मेरा लिस्ट कैसे निकालूं, मैं लोगों को क्या बोलूं, मुझे कॉल कैसे करना है, लोगों को प्रेजेंटेशन करना कैसे करना है, ये सारा 4 घंटे का नॉलेज अवेलेबल है। विकास शेट ने लिया होगा 4 घंटे का नॉलेज, लेना पड़ेगा कि नहीं? जब मैं नहीं लूंगा तो मेरा टीम में कौन लेगा? लेकिन ये अगर रेडी रहेगा और बताने वाला आदमी इस बिजनेस में सक्सेसफुल है तो कुछ तो फायदा होगा कि नहीं सर? आप नए हो, आपको 4 घंटे का वीडियो ट्रेनिंग अवेलेबल है, हेल्पफुल है कि नहीं? सो स्टार्ट, विलिंगनेस टू लर्न नहीं है, राइट, विलिंगनेस टू लिसन नहीं, सीखने सम सुनने को कोई तैयार नहीं आज के तारीख। आई नो एवरीथिंग एटीट्यूड, सबसे गंदा एटीट्यूड, जिस एटीट्यूड की वजह से शायद यू विल फेल इन योर लाइफ। आई नो एवरीथिंग, ये आई नो एवरीथिंग आपको कोई चीज आज एसपी बारे में साहब भी बोलेंगे तो बोलेंगे ये तो बहुत हमको सब कुछ पता है। 70 लाख कमाने वाला आदमी अगर 4 घंटा सिखाने वाला है, जो सिखाने से पहले तुमको सब कुछ पता है, ऐसा एटीट्यूड रख के कैसा चलेगा? और लास्ट में विलिंगनेस टू चेंज, बदलने का बिल्कुल इच्छा शक्ति नहीं किसी के पास में, वो होना चाहिए, राइट। द बेसिक अदर डिफरेंस क्या, मैं लोगों को पूछता हूं कि क्या
और पैसा कमाने का, क्या तुमको लगता है कि क्या और पैसा चाहिए लाइफ में, तो सामने वाला आंसर क्या देता होगा? हाँ नहीं, सामने वाला आंसर है देता, किसको नहीं चाहिए? अरे किसको चाहिए कि नहीं चाहिए वो तू क्यों बता रहा है? मैं तुमको पूछ रहा हूं कि तुमको चाहिए कि नहीं, राइट और रॉन्ग? अपने लाइफ में क्या चाहिए इसके बारे में सब कुछ वेग, राइट? ये 80% लोगों का डिजायर बहुत वीक है, म्हणजे ते दिवाळीतलं बाण असतो का नाही, त्यांचं बाण असं 2-3 फुटावरच परत खालती पडते, लंबा बाण उनका जाता ही नहीं है, राइट? डिजायर का मतलब वो होता है ना कि जैसा पंजा लड़ा है क्या कभी? हाँ, कुछ कुछ बच्चा भी जब बाप से पंजा लड़ाता है, ना लगानी पड़ती ना, वो लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि डिजायर भी है, राइट? भाई एसपी बारेल साहब एग्जांपल देते, इसलिए कि जब 2 नंबर लगे और टॉयलेट किधर है पता नहीं, तो किस तरीके से ढूंढेगा तू? जितना प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड्स है कि किस कैसा ढूंढेगा। अगर प्रेशर ऐसा है कि 5 घंटे बाद भी चलेगा तो तुम ढूंढेगा ही नहीं, शायद इधर उधर देखेगा, नहीं दिख रहा है तो बाद में देखा जाएगा। और लेकिन बिल्कुल अगर टिप पे रहेगा तो ऐसा दौड़ लगाएगा किधर गया, लेकिन ढूंढ के निकालेगा कि नहीं, ऐसा एक भी ऑप्शन आप तक एक्सपीरियंस आया क्योंकि मिला ही नहीं, मिलता है, राइट? सो वो डिजायर बहुत वीक है। ये 20% लोगों का डिजायर बहुत स्ट्रांग है, और वो स्ट्रांग होने के लिए ना उनके लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा सिचुएशन है कि जिसकी वजह से उन्होंने सोचा है। जैसा रतन टाटा का हमने आया फॉरवर्ड किया, राइट? हो टाटा का मालिक फोर्ड कंपनी के मालिक के पास गया और उन्होंने बोला कि तुमको आता ही नहीं धंधा तो तुमने क्या करने का, हमने इतनी बार फॉरवर्ड किया रतन टाटा, लेकिन रतन टाटा को इंटरनेशनल मार्केट में जैगवार रेंज रोवर मर्सिडीज बेंज जैसे कंपनियों का मालिक बनने के लिए वो डिजायर था, वो डिजायर आने का कारण वो सिचुएशन है। अपने लाइफ में भी ऐसी दुनिया भर की सिचुएशन, जावई असून सुद्धा कुठतरी लफडं झाले आपल्याबरोबर, मेवणा असून सुद्धा कुठतरी लफडं झालेलं आहे, कुणातरी लग्नामध्ये गेलो तिथे पण काहीतरी भांगड झालेली आहे, कधीतरी बँक मॅनेजरने आपली लायकी असताना सुद्धा आपली लायकी काढलेली आहे, लेकिन चलता है जिंदगी। कुछ लोग उसको भूलेगा नहीं, कुछ लोग अभी हमारा गाड़ी आने के बाद में हमारा बहुत सारा रिलेटिव कॉल कर रहा है, अरे कितने दिवस कॉल नहीं तुझा। वही वो लोग हैं जिनके वजह से मेरा गाड़ी, आज मैं और अश्विनी, व्हेन अश्विनी वाज अ प्रेग्नेंट, हमारा बहुत सारा रिलेटिव है पुणे में, लेकिन अश्विनी प्रेग्नेंट है और हम स्ट्रगल करने वाला आदमी किसी को अच्छा नहीं लगता। 318 रुपये का चेक लेके मैं आपके घर पे आता वेस्टीज का प्लान दिखाने के लिए, तो आप क्या मेरा वेलकम करने वाले थे क्या? बहुत केस में आपका भी ऐसा ही होने वाला है। तो हमको बताया जाता था कि तुम 10 बजे से पहले आ सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो कॉल करके आओ। इनडायरेक्ट मैसेज क्या जाता है, वो जो इनडायरेक्ट मैसेज है ना, वो इतना चुपता है स्ट्रगल लाइफ में कि अश्विनी प्रेग्नेंट होने के बावजूद मैं कार ड्राइव करके किसी हॉस्पिटल का पार्किंग में लगाया और हम वो रात भर उस पार्किंग में सोए, हम गाड़ी में। समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है? वो चीज अगर मैं भूल जाऊं तो मेरा जिंदा रहने का मतलब क्या है फिर? तुम्हारा लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है क्या? सबके लाइफ में है, लेकिन हम अपन त्याला सोईस्कर रित्या विसरने का प्रयत्न करो। वेस्टीज तुमको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो डिजायर स्ट्रॉन्ग करो। यू नीड टू हैव अ इमोशनल ड्रीम बोला जाता ना, वो इमोशनल ड्रीम यही है। संदीप, सचिन, हाँ नितिन, सबके पास है। कुछ लोग शायद तुम्हारा घर में आने के बाद जब तुम्हारा घर की तरफ देखा है ना, तभी तुमको महसूस हुआ कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन हम बोले कि जाने दो, जिंदगी ऐसा ही है, हम ऐसे लोग हैं कि हम करके दिखाएंगे साहब।
पैदा तो भगवान ने एक बार ही जिंदगी दिया है ना, क्या बार बार है? एक बार है तो अस नाणं वाजवूस आहे कि त्या नाण्याचा आवाज येणाऱ्या 10 पिढ्यांना ऐकू आला पाहिजे, तेवढी मर्दानगी तर आहे की नाही आपल्या अंगात? हा, इनके पास नाही आहे. त्यांचा बाण 2 फुटावरती जातो स्वी आणि परत ठुस नीचे आते समय आवाज आता ना. राईट, वीक डिझायर. राईट, क्या करना पड़ेगा? ये 80% लोग प्रिडिक्टेबल नहीं है. ये मेरा सोच नहीं है, मैं आपको बुक पढ़ने के लिए बोलूंगा, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा. ये 80% लोग प्रिडिक्टेबल नहीं. बहुत सारा लोगों को ये जो मैं वोटिंग किया नहीं आज तक, मरते दम तक शायद आगे तभी पॉलिटिक्स में पढ़ूंगा नहीं, लेकिन लोग कैसा सोचता है, हाउ पीपल आर प्रिडिक्टेबल, उसका अच्छा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं. जब ये एग्रीकल्चर लोग, खेती किसान लोगों का जब शुरू हुआ ना स्ट्राइक आंदोलन, तो जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ ना उस दिन से बहुत सारा लोग बोल रहे हैं मोदी सुनेगा नहीं. देखो कितना लोग, आपने भी बोला होगा किसी को कि मोदी किसी के नहीं सुनेगा. हम प्रिडिक्ट करता है ना आदमी देख के, ये प्रिडिक्टेबल है, ये अनप्रिडिक्टेबल है. ये क्या करेगा कुछ पता नहीं, कभी हाँ बोलेगा कभी ना बोलेगा, कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा, कभी एक्साइटेड होगा कभी डूस होगा गाड़ी, कुछ पता नहीं. ये प्रिडिक्टेबल नहीं, एकदम करेक्ट टाइमला पोहोचणारा म्हणणारा माणसाचा फोनच नाही लागत. आणि आपल्याला वाटतं अरे माझा ड्यूसडी होता राहतो, तो ड्यूसडी नव्हताच तुमचा साहेब, त्याची लायकीच नाही आयुष्यामध्ये 10 लाख कमवायची. तुम्ही दरवाजा वाजवायचं काम करा ना, उघडायचं की नाही ते कोण ठरवणार, क्या लगता है? राइट और रॉन्ग, ये प्रिडिक्टेबल नहीं है. राइट, हाउ टू बिल्ड वेस्टेज बिजनेस, लास्ट सेशन. राइट, देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन वेस्टेज. लोगों को जो चीज समझ में आना जरूरी है, वन इज प्रोडक्ट एंड अनदर इज पीपल. तुम इस मीटिंग के लिए आए कल्याण से, कल्याण इजी था क्या? ट्रैफिक विफिक सब टफ है ना? इधर आने का वजह कौन सा प्रोडक्ट है? अधिक वेस्टेज का कौन सा प्रोडक्ट की वजह से अधिक इधर बैठा है? साहेबाना मी एका मीटिंग मध्ये भेटलो याच्या आधी, बरोबर ना, का फर्स्ट टाइम आपली गाठ आहे, पहिल्यांदा गाठ भेट पडली. सचिन कुठल्या प्रोडक्ट मुळे तू या मीटिंग मध्ये बसलास? कविता, If you are a bronze, I'm talking to you people, अगर आप ब्रॉन्ज हो तो कौन सा प्रोडक्ट की वजह से ब्रॉन्ज बने? कौन सा प्रोडक्ट की वजह से संदीप डायमंड बना? प्रोडक्ट आपको जिंदगी में कभी भी करोड़पति नहीं बनाता. खुद कंपनी के मालिक कहते कि वेस्टिज प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, फिर भी हम वेस्टिज के लिए स्टार्ट करने के बाद हमने क्या बोलना शुरू किया? अरे वेस्टिज कंपनी दुनिया का नंबर एक का कंपनी और प्रोडक्ट इतना खतरनाक कि उसका फूड सप्लिमेंट से त्याचं मूळव्याध गेलं, ह्याचं डायबिटीज गेलं, त्याचं हार्ट अटॅक एकदम फर्स्ट क्लास झालं, आणि ते प्रोडक्ट आणि तू आता आधार कार्ड पाठव. लेकिन इसमें से किसी एक भी प्रोडक्ट की वजह से तुम वेस्टेज नहीं कर रहा है, तो तुम गलत गलत तरीके से लोगों को बिजनेस में ला रहे. और उसकी वजह से हो क्या रहा है, वो आदमी शायद ले भी रहा है. एकनाथ कुंभार सर का एग्जाम्पल बहुत खतरनाक है. पुना कॉर्पोरेशन या पीएमसी पिंपरी चिंचवड कॉर्पोरेशन का एक आदमी के 13 साल का लड़के को एक कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से उसके यहां पे 32 सिस्ट था गाठी. और किसी किसी के थ्रू वो आदमी एकनाथ कुंभार सर को मिला. एकनाथ कुंभार सर बोले कि ये कैंसर ठीक हो सकता है फूड सप्लीमेंट, वेस्टेज का फूड सप्लीमेंट की वजह से. बोले फूड, अगर इसका कैंसर 13 साल का बच्चे का बाप बोल रहा है, अगर ये इसका कैंसर ठीक हुआ ना तो मैं पूरा पीएमसी बिजनेस में लाऊंगा. 13 साल के लड़के का कैंसर ठीक हुआ और बाप ने आज तक बिजनेस नहीं किया. मेरा अच्छा दोस्त गोवा में 10 साल से हाथ ऐसा, स्टेयरिंग पकड़ने के लिए भी ऐसा करके ड्राइव किया 10 साल. डॉक्टर बोला इसका बाइप्सी करना पड़ेगा, ये बोला लफड़े में नहीं करना है.
एकनाथ कुमार सर बोले आराम से ठीक हो सकता है, ये फूड सप्लीमेंट खाना शुरू करो। 10 साल से जो चीज ऐसा 3-4 लाख रुपया खर्च किया है, महीने बन के अंदर में उसका हाथ ठीक ठाक हो गया। बोला अगर वो होगा ना मैं क्या करता हूं, बाइनरी का आदमी, उसका वेस्टेज में आने के बाद में फूड सप्लीमेंट खा के हार्ट ठीक हो गया, लेकिन वो वापिस बाइनरी चला गया। व्हाई इज होम वेरी इंपॉर्टेंट साहब, इफ यू आर हियर, क्योंकि आप जानते हो कि आप यहां पे क्यों हो। प्रोडक्ट कभी भी किसी का व्हाई नहीं बन सकता। इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन, आप कंज्यूमर को ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे तो आप गलती करोगे। तुम्ही डीमार्ट मध्ये गेल्यानंतर कधीतरी लक्स सांडलाय का नाही साहेब, आणि दुसऱ्या वेळा गेल्यानंतर लिरिलचा बाजार चांगला वाटला तर काय केलं, लिरिल आणलाय। तुम्ही ज्याला अश्युअरचा सोप दाखवून बिझनेस मध्ये आणणार आहे त्याला कधीतरी लक्स आवडणार की परत। गई भाई पाणी में हमने तो 2 घंटा फोन पे ऐसा लगाया था तुम वापिस गया उधर, और फिर भी वो करेगा। उसका कारण इतना ही है कि वेस्टिज हैवन कंसिस्टेंसी ऑफर 4 महीने का, 4 महीना तो वो प्रोडक्ट लेगा ही लेगा। 5वें महीने से वो बोलेगा जयराम जी की तुम अपना नापो मैं अपना नापता हूं। ये पीपल का ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो आपको ये बिजनेस बताना पड़ेगा कि तुमको क्यों करना है जिंदगी। आप नए हो सर, आपने बिजनेस देखा अब तक कभी? अच्छा ओके, चलो मतलब आप जानते हो प्रेजेंटेशन क्या है ना। मैं आपको बता पूछता हूँ, आप जॉब करते हो कहाँ पे? नैनदीप। और एक 20 साल नैनदीप में जॉब करेंगे, फर्क क्या पड़ेगा? आज पता है फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। आज इनको पता नहीं है क्या? पता है साहब, लेकिन जब मैं इनके घर पे जाऊंगा और जब मैं इनके साथ बात करूंगा और ये ही विल फील कंफर्टेबल टू टॉक विद मकरन, और मैं बोलूंगा साहब ऐसी जिंदगी से बेहतर जिंदगी जीना जरूरी नहीं है क्या, तो आदमी वो सोचेगा कि आप बात तो सही कर रहे हैं, जरूरी है, लेकिन क्या ये काम करके जिंदगी बदल सकती है क्या? बोले कि नहीं बदल सकती। मैं और आप मिलकर अगर काम करेंगे तो जिंदगी बदल सकती, क्या आप मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है क्या? बोलेंगे आधार कार्ड कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है बोलो मैं तैयार हूं। और उनके पास अगर मैं राइस ब्रांड ऑयल लेके जाऊं तो एकदम बेहतरीन तेल, वो सुनेंगे नैनदीप है बाबा, वो भी छोटा ब्रांड नहीं है ना, छोटा ब्रांड नहीं है। वो बोलेगा ये आदमी तो मेरे घर तेल लेके आया है, मेरे को भी बोलने वाला कि तेल लेके जाओ लोगों के घर में। मैं नैनदीप में काम करने वाली, मैं लोगों के घर पे तेल लेके जाऊं क्या? सही है क्या गलत है? तुम अगर प्रोडक्ट लेके किसी के घर पे जाओगे 110% वो बिजनेस वहीं पे रुकने वाला है, लेकिन तुम अपॉर्चुनिटी लेके जाओगे तो बिजनेस 100% होगा। और अपॉर्चुनिटी लेके जाने वाला आदमी ना पैशनेट ड्रीमर है, फायर्ड अप है। संदीप से आधा घंटा बात करो आप महसूस करोगे एनर्जी। मैं आपके घर पे आऊं आधा घंटे बात करके निकल जाऊं ना, आपको रात भर महसूस होगा कि जो भी बात हुई सही है और जिंदगी बदलना ही बदलना है, क्योंकि डिजायर स्ट्रांग है। आपका पैशन ट्रांसफरेबल है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफरेबल नहीं है साहब। आप जिंदगी में कितने एक्साइटेड हो, फायर्ड अप हो, वही चीज किसी के अंदर जा सकता है ना। क्या वेस्टिज का मार्केटिंग प्लान आज तक मेरे को नहीं समझा, आप क्या समझाओगे किसी को? तुम जिंदगी में कभी भी देखो, मैं वेस्टिज का प्लान दिखा था, कैलकुलेशन किसी को नहीं दिखा, अपने को नहीं आता किसको दिखाने का। पैसा आता है बाबा, फर्क है नहीं, राइट? एक्यूरेट वो 3 वजा 2 बरोबर 1 आम्हाला आतापर्यंत गणित तरी चांगले मार्क पडलेले नाही, त्या भानगडीत आम्ही अजून पडणार पण। लेकिन जो समझ में आता है किसी को वो एक्साइटमेंट पैशन है, विकास है। सही है कि नहीं? जब कश्मीर दाखवायला लोकांना घेऊन जायचं असेल तर तिकीट समजावून सांगायचं का कश्मीर समजावून सांगायचं? सिंपल है साहब, आपण जर तिकीट समजावून सांगितलं तर म्हणते एवढं तिकीट बाबा पुढच्या वर्षी कश्मीर बघू। आणि जर विकास शेठ म्हणले असं ते आता रोज गार्डन असं खतरनाक मुघल गार्डन इतकं मस्त असेल, आता असा बर्फ पडत असेल, ते रात्री स्वप्नात कश्मीर करून दुसऱ्या दिवशी पैसे पाठवतात। रॉंग तो हो रहा है कि नहीं साहब? 100% रॉंग हो रहा है। सो डोंट टेक प्रोडक्ट टू पीपल, टेक अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के साथ पहुंचो, बहुत जरूरी है। एंड लास्ट, बिजनेस करने का मतलब क्या करने? लोकाना कामाला लावायचं,
हा दरेकर भेटले आता मस्त दरेकराला असं पेटू पेटू मस्त पेटून दरेकर काम करते हो सकता है क्या? हा नहीं हो सकता सर. ये बिजनेस एग्जैक्टली अलग है. ये बिजनेस बहुत डिफरेंट है और ये बहुत आसान बिजनेस है. इस बिजनेस को करने के लिए यू नीड टू बी अ गुड पर्सन फर्स्ट. अच्छा आदमी होना चाहिए. और लोगों का ना एक चीज होता है जिसको बोला जाता है, जूम वाले भी लोग सुन रहे ऐसा मैं महसूस करता हूं, समथिंग इज कॉल्ड पर्सनल सर्कल, जिसमें हस्बैंड वाइफ माँ बाप और उसके जितने बच्चे हैं वो बच्चे, यही जिंदगी उसकी, इसके साथ ही उसका लाइफ है पूरा. अभी ये आदमी हस्बैंड है, ये आदमी वेस्टिज का प्लान देखने के लिए आया, मीटिंग रूम में बैठा. अभी ये जब वापिस घर पे जाएगा ना, तो इसके दिमाग में अगर समझ लो कि ये साहब आते, तुमचं नाव काय साहेब? विठ्ठल साहेब येतात. तर ये आदमी दो तरीके से सोच सकता है कि अभी मैं विठ्ठल को ऐसा पटाएगा कि विठ्ठल तो ज्वाइन करना ही चाहिए. एक विठ्ठल झाला, एक हे झाले, ते झाले, काम तमाम किती लागतं आहे, 12-12 एक टॅक 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 फिनिश. और ये अगर आदमी सही है तो ये उसका जो पर्सनल सर्कल है, जिस पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड, लोग सेल्फ सेंटर्ड है, उसको सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए. देखो महात्मा गांधी सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ा जिया. शिवाजी महाराज सेल्फ सेंटर्ड लाइफ नहीं है, मोठं जे आयुष्य जगलं. ह्यानं जर मोठं आयुष्य जगायचं ठरलं ना, तर ही विल कॉन्टॅक्ट विठ्ठल आणि विठ्ठल के साथ में ऐसी बातें होगी, रात में 1.5 घंटा सामने सामने बैठ के प्लान डिस्कशन होगा. और लास्ट में उठते समय दरेकर साहेब विठ्ठल बरोबर खांद्यावर हात ठेवून सांगतील की विठ्ठल मी तुझ्या जोडीला उभा आहे, आपण दोघांनी मिळून लढाई करू. और विठ्ठल रात में जब जाएंगे घर पे सोएंगे तो सोचेगा कि यस दरेकर बोल रहे, अभी दरेकर और मैं मिलकर टीम बनाएंगे. और ये विठ्ठल बोल रहे कि दरेक विठ्ठल नया आदमी है. मी मर्सिडीज घेतलं आणि अश्विनीला चावी दिली की एक राऊंड मारून ये, आणि तिनं नेऊन ठोकली गाडी. तर चूक किसका, गलती किसका? मेरा गलती साहब, उसको गाड़ी नहीं चलाना दे देता तो मेरा बीबी होने के बावजूद देना वो मेरा वाइफ है. अरे वाइफ होने तो उसको आता है कि नहीं पहले चलाना. इधर प्रॉब्लम क्या है ना, ये आदमी इसको स्पॉन्सर किया और बोल रहा है कि तू मेरा अभी डायमंड का लेगा, मतलब मेरा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, तुम ले गए अभी काम करो. अरे ऐसा काम करो कि ऐसा काम करने के लिए वो बोल रहा है जो काम उसने कभी जिंदगी में नहीं किया ना. आज तक कभी उसने प्रोस्पेक्ट को कॉल किया ना, आज तक उसने कभी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया ना, आज तक कभी उसने डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कुछ काम किया. और फिर भी तुम उसको बोलो कि तुम करो, तो यह आदमी जो करेगा वो सही करेगा कि गलत करेगा? वो 110% गलत करेगा. तो ये गलती क्यों? क्योंकि तुमने इसको वो काम बताया जो काम तुमने करना चाहिए इसके साथ में जाकर. और ये काम, बस काम नको मला सांगू, बाकी सगळं सांग, मी पैसे फक्त पाहिजे, तो काम नको. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा. मेहनत तो करना पड़ेगा साहब. ज्ञानदीप वाला मेहनत करवा के ले रहे हैं साहब. हाँ अच्छा लग रहा है क्या? मेहनत, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता. तो इसके साथ यहाँ पे जाना, इनके प्रोस्पेक्ट को कॉल करो. नया आदमी होता है ना, नया आदमी नितिन एक्सपीरियंस करो. नया आदमी समझ लो, हे एकदम ब्रँड न्यू आहे ना. म्हणलं की मी तुमच्या घरी येतोय साहेब, तुम्ही तुमच्या ओळखीच्या 10-15 लोकांना आजूबाजूचे बोलवणार का? तुम्ही बोलवणार का साहेब? 100% पक्का घर घर दार भरून जाईल. अभी विकास को बोलता हूं, मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ, ये बोलता है. पुराना हो गया ना, अभी पुराना हो गया आदमी. नया आदमी के पास जोश, एनर्जी बहुत, इनोसेंस बहुत तगड़ी है. इनके साथ वो काम करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर वो अपॉर्चुनिटी मैंने इनके साथ गवाई, अगर मैं इनके साथ नहीं, तो वो 15 लोगों के साथ बात तो करने वाले की नहीं जो घर पे आएंगे. मैं गया संदीप, अगर मैं इनके घर पे जाऊं, वो प्रेजेंटेशन दिखाऊं, तो वो 15 में से 4-5 लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं साहब के साथ? और ये 4-5 लोग ज्वाइन करने के बाद में साहब एक्साइटेड रहेंगे क्या? एक्साइटेड रहेंगे. नॉट ओनली दैट, अभी साहब मेरे अच्छे दोस्त भी बन गए.
क्योंकि मैं और साहब मिलके काम कर रहे हैं, इनको काम पे लगा रहा हूं क्या? आई एम डूइंग एवरीथिंग, मैं वो हर चीज कर रहा हूं जो आगे जाके इन्होंने करनी चाहिए. इफ योर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग, चेक आउट, आर यू डूइंग एवरीथिंग व्हाट योर टीम इज डूइंग और नॉट? मैं इनके साथ वो काम करूंगा, इनके साथ जो चार लोग स्पॉन्सर करेंगे, अभी मैं इनको बोलूंगा कि साहब इस महीने का टारगेट है 600 पीवी. वो पूछेंगे पीवी क्या है, मैं बस बैठ के कैलकुलेशन बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा और इनको बोलूंगा कि चिंता करने का जरूरत नहीं, इस महीने में मैं तुम्हारे साथ खड़ा है, 110% 600 पीवी हो. इनका एक्साइटमेंट लेवल कैसा होगा? अभी मेरे को 10,000 पीवी चाहिए इसलिए इनसे नो छुड़ू क्या मैं 10,000 पीवी? अरे नया बच्चा है होगा, जान लेंगे क्या? इनको जितना शुरू में पॉसिबल है उतना ही बताओ ना. अगर समझ लो ये कोई पॉलिटिशियन है, इनोसेंट है या कोई अच्छा पोस्ट पे काम करने वाला है, इनको मैं बोलूंगा कि इस महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टरशिप जाना है क्योंकि आपके पास एबिलिटी है. मैं आपके 200 लोगों को मिलने को तैयार हूं, आप मुझे 200 लोगों से मिलवाने के लिए तैयार है क्या? तो लोग, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि बोलेंगे कि मैं रोज 10 नए लोगों को मिलाता हूं, आप मेरे घर पे आओ. हो सकता है कि नहीं? तो उस आदमी के साथ बैठ के हम बात करेंगे कि आपका इस महीने में फास्टर डायरेक्टर जाना है, पहले महीने का 15,000 आना चाहिए. और इनको मैं बोलूंगा कि आपकी भी डायरेक्टरशिप होगी लेकिन आने वाले 3 महीने में डायरेक्टर बनेंगे. 3 महीने में डायरेक्टर बनने के लिए इस महीने में हम करेंगे 600 पीपल. और मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं इनके साथ लोगों को स्पॉन्सर कर रहा हूं और ये 600 पीवी करे इन्होंने. और यहां पे मैं यहां पे जाके 600 पीवी हुआ. तो ये बीच वाले लोग काम करेंगे कि नहीं? काम करेंगे, विलिंगनेस भी क्रिएट होगा, सब कुछ होगा. और ये नहीं काम करेंगे तो आई स्टार्टेड फ्रॉम सोलापुर. मैं आपको बताता हूं, बिजनेस एक जगह पे कभी भी नहीं रहता, बिजनेस मूव ऑन करता ही है, जुब से निकल जाएगा बिजनेस, आपके हाथ में भी नहीं रहेगा बिजनेस. अगर आज भी बिजनेस आपके हाथ में रुका है ना, तो वो भगवान का ब्लेसिंग है, उसको पकड़ो और उसको बोलो कि थैंक यू गॉड कि आई गॉट रियली वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड वेरी गुड अपलाइन. अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगा, शायद आपका अपलाइन के पास भी वो समय नहीं रहेगा कि आपके साथ आके काम करे. बिजनेस निकल जाएगा. वो निकलता कैसे बिजनेस, वो भी मैं आपको समझाता हूं. 600 पीवी हुआ, ये फास्ट स्टार्ट 8% गए, इनका रिकॉग्निशन हुआ, ये चार लोग भी सुपर डुपर एक्साइटेड फायर्ड अप है. अभी इनके साथ मैं बोल रहा हूं कि इनका नाम है, समझ लो कि संदीप. आपका नाम क्या है? नवनाथ. मैं नवनाथ साहब को संदीप जी के घर पे गया हूं, नवनाथ जी मेरे साथ में और संदीप इस सुपर डुपर एक्साइटेड फायर्ड अप. मैं संदीप के साथ में बैठ के बात कर रहा हूं तो संदीप बोलता है इस महीने में तो मुझे भी फास्ट स्टार्ट 8% जाना है और मुझे भी 600 पीवी करना. तो मैं संदीप को बोल रहा हूं कि देखो ऐसे ऐसे करके तुम भी 600 पीवी करके ग्रो कर सकता है. तो बोलता यस. तो मैं संदीप को क्या कहूंगा? डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ में. हे कल्याण रहता था, संदीप पनवेल ना रहा, तो फॉरगेट एवरीथिंग, मैं पनवेल जाएगा. ऊपर वाला, तुम जब ऊपर चला जाएगा तो ऊपर वाला तुम्हारा सीसीटीवी का रिकॉर्ड दिखाने वाला है, तुम जिंदगी में किधर किधर गया. ऐसा उसको नहीं महसूस होना चाहिए भाई, कंपनी टू घर, कंपनी टू घर, पूरा लाइफ उसने इधर ही गवाया. भगवान बोलेगा कि मैं तुमको दिमाग दिया, हाथ पैर सोचने का ताकत सब कुछ दिया, तुम इतना ही बेल्ट में काय को गवाया? थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? मैं संदीप के साथ में जाके जब 600 पीवी का टारगेट बात करता हूं ना, तो जब मैं संदीप के घर पे नवनाथ सर के साथ में जब मैं निकलता हूं, तो मैं उसके बाद में नवनाथ सर के साथ में बैठ के बात करता हूं कि नवनाथ सर लास्ट महीने में हम 600 पीवी किए थे, इस महीने में संदीप 600 पीवी कर रहे, तो हम बगल से काम करके और भी 2000 पीवी कंप्लीट करेंगे. अभी ड्यूरिंग द प्रोसेस नवनाथ सर सीखे मैं क्या कर रहा हूं, ही इज लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम. अभी वो डुप्लीकेट करने की कोशिश करे कि मकरंद जैसा बताता है वैसा मैं बताऊं, राइट और रॉन्ग? ही इज ट्राइंग टू कॉपी मी.
नेचुरली। तो मैं इनको बोलता हूं कि नवनाथ सर क्या आप इनके साथ काम कर सकते। अरे डोंट वरी, मैं इनके साथ भी काम करता हूं, दो दिन में मैं और भी चार नए लोग जोड़ता हूं। ही इज एनर्जेटिक, फुल फायर्ड। तो जब ये काम बन जाता है ना, तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन 600 पीवी का 3 महीने बाद 6000 पीवी करेगा, और 1 साल बाद 16000 पीवी होगा, और 2 साल बाद यही 1 लाख पीवी होगा। आधार कार्ड पहिलं आणि 100 पीवी। तो आधार कार्ड आणि 100 पीवीचा जो धंदा आहे, तो तुम्ही मरेस तोपर्यंत केला तरी 2000 पेक्षा जास्त पीवी होणार नाही। आणि झाले तर ते देवाच्या नशिबाने दिलेले एक फक्त महिन्या 2 महिन्याचं गिफ्ट आहे। क्या ऐसा बिजनेस करना आसान नहीं क्या सर? जैसे मैंने नवनाथ साहब का नाम लिया, वैसे नवनाथ साहब का भी एक दोस्त है कि नहीं? उसको वेस्टीज का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और आधार कार्ड बेच बोलने से भी बेहतर है अगर हम जाके बोले कि सारा काम केलं पाहिजे, आपल्यापेक्षा दळवतरी लोक मोठी झाली आहे। तो माओ मैं मिलाता हूं आप लोगों को, FRU में देखो, आपसे बदतर जिंदगी जीने वाले लोग 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया कमा रहे, आपसे कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा पैसा कमा रहे। एमवे मतलब 9% वाला मुंबई मध्ये कमवतो 6 लाख रुपये महिना, आपण काय अक्कल घेऊन बसलो साहेब? किधर बचाने का अपना अक्कल का डंका, करना तो पड़ेगा ना साहब। ये काम मतलब काम है, बाकी सब झूठ है। ये काम अगर हमने 3 लोगों के साथ सही तरीके से किया तो ये 1 साल में 1 लाख रुपया, और 6 लोगों के साथ में किया ना तो ये साल भर में 2 साल में आपका 2-2.5 लाख रुपया। ये करना आसान है ना, इसके लिए अच्छा आदमी बनना पड़ेगा। दिमाग लड़ाओगे तो बिजनेस होगा नहीं, ये इसके लिए दिल लगाना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? सो आई होप कि बिजनेस को बिल्ड करेंगे राइट वे से। एंड द लास्ट दिस 80% पीपल को बॉस अच्छा नहीं लगता, और ये जो 20% लोग है ना, इनके लिए इनको भी बॉस नहीं अच्छा लगता, लेकिन इनका बॉस इनका गोल है। उन्होंने जो टारगेट सेट किया ना, उनका स्ट्रेस है बगुना पुढ़चा मैंने इस एटीट्यूड से। ये लोग हमने डाव पे लगाया था, मुझे SP बारेल साहब का फोन आया था व्हेन आई वाज गोइंग सिल्वर। 70 लाख कमाने वाला आदमी मेरे जैसे आदमी को फोन किया था, ये विनिंग टीम का कल्चर है। वो कौन से भी पिन पे पहुंचो, इतना बड़ा नहीं बनो, बारेल साहब से भी बड़ा। हमारा टीम का सबसे छोटा आदमी है ना, उसके साथ भी हमारे रिलेशन एक भाई जैसा होना चाहिए। और बारेल साहब बोले थे मकरन सिल्वर ही तो पीने छोड़ नहीं, तो इतना टेम्परेचर है तुमको, मैं ड्राइवर भेजू क्या? मेरा दोस्त है वहां पे उसका गाड़ी का, वो एक फोन मेरा लाइफ में, मेरा उस दिन रात को ये टेम्परेचर खत्म। कुछ 2-2.5 हजार पीवी बचा था, आने वाला 2 दिन में हमने 2.5 हजार पीवी खत्म किया। दैट मंथ माई इनकम वॉज 43,000 रुपीज डायरेक्टली, फ्रॉम 12,000 to 43,000 रुपीज। आपका भी हो सकता है साहब, लेकिन उतना जेवढं लीडरचं स्पीड, जेवढ्या लीडरची गाडी ज्या स्पीड वर चालते ना, त्याच्यापेक्षा जोरात त्याचे डबे नाही सांग। तुम्हारा गोल सेट नाही आहे तो तुम्हारा टीम का गोल सेट होने का सवाल ही नहीं होता। आपके वजह से किसके लाइफ में चेंज हुआ, ये सवाल आपको पूछा जाएगा। उसके जवाब में अगर कुछ आंसर नहीं आया तो लाइफ फालतू में गया। सो थैंक यू वेरी मच। 7, 5, 6, 7 को हम डिसाइड करेंगे, डिसीजन स्ट्रॉन्ग लेंगे। फेब्रुवारी का 5, 6, 7 गेलेल्या माणसाला परत मारा ऑलरेडी, म्हणजे पाप लागणार नाही। आणि तेवढे इमर्जन्सी क्रिएट करा की कंपनीनं तुम्हाला सुट्टी दिलीच पाहिजे, आणि त्यातनं देत नसेल तर म्हणायचं ताप आलाय, मग ते 100% देते येऊ नको बाबा आता 2-3 दिवस। पण ते 3 दिवस, त्यातला 1 शुक्रवार आहे, 1 शनिवार आणि 1 रविवार आहे, पण ते 3 दिवस जर तुम्ही FRU अटेंड करू शकला तर जी गोष्ट घडायला तुम्हाला वर्ष जाणार आहे ना, ते 6 महिन्यात होईल। तर होपफुली तुम्ही सगळेजण ते अटेंड कराल। सो थँक्यू व्हेरी मच अँड ओव्हर टू संदीप।
यस सर, थैंक यू सो मच, यस, जबरदस्त जबरदस्त, यस जबरदस्त सेशन सर, यस होपफुली सभी लोगों को आज बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आज पता चली होगी कि इस बिजनेस को कैसे करना है। तो जैसे ही मकरन सर ने बताया कि 5-6-7 हमें इस एफआरयू का विटनेस होना है और काफी लोगों में उनके जीवन में बदलाव लाना है। तो कितने लोग तैयार है जीवन में बदलाव लाने के लिए और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, कितने लोग तैयार है? यस सभी लोग तैयार है, यस आप सभी भी जितने लोग अटेंड कर रहे हो इस लाइव सेशन को, तो मैं भी चाहता हूं कि आपके भी हैंड रेज वहां पे हो रहे। और आज एक बहुत बढ़िया यहाँ पे ये ट्रेनिंग सेशन हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे पोपर खरना के होस्ट मिस्टर सचिन एंड कविता भोसले मंच पर आए और मकरन सर का स्वागत करें आज। यस प्लीज, यस ग्रेट, आज ऐसे ही ट्रेनिंग सेशन से हमारे लाइफ में भी बदलाव आया है दोस्तों, और कई सारे लोगों के लाइफ में बदलाव आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये हमारे टीम की तरफ से, यस सर यस, और हम ये आपको पक्का वादा करते हैं कि ऐसे ही ट्रेनिंग सेशन और ऐसे ही आपके नक्शे कदम पे चल के हम भी लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएंगे। यस यस, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सब लाइव इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं और सभी को बेस्ट ऑफ लक, विश यू वेल, और 5-6-7 भूलना नहीं है दोस्तों, 5-6-7 को पूरा हंगामा करना है हमें। यस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, विश यू वेल।